हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो, एक वर्ड का नाम है इलेक्ट्रो और दूसरा नाम का नाम क्या है, वर्ड का नाम है लाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब होता है करंट और लाइसिस का मतलब होता है सेपरेशन। तो हम लोग करंट के हेल्प से क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। किसका सेपरेशन करेंगे? सेपरेशन ऑफ आयोन्स। सेपरेशन ऑफ क्या करेंगे? आयोन्स। किसका आयोन्स? आयोन्स ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स करेंट और लाइसिस मतलब सेपरेशन। किसका सेपरेशन किया जाएगा? आयोन्स का। किसका आयोन्स का सेपरेशन किया जाएगा? आयोनिक और इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड। क्योंकि आयोनिक और इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड में ही क्या होता है? आयोन्स होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में आयोन्स नहीं होते हैं। पोलर कोवेलेंट में भी आयोन्स नहीं होते हैं। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो जो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, उसको अपने तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चले गया है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वो आयोन नहीं बना है, दे आर स्टिल मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं? उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं जिसमें पहले से ही आयोन है। समझ में आया? चलो कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है उसमें आयोनाइजेशन होता है, मतलब आयोन बनाया जाता है। आयोनाइजेशन मतलब आयोन बनाया जाता है। लेकिन जो आपका आयोनिक कंपाउंड है उसमें होता है डिसोसिएशन। तो आप यहाँ पे जो सेपरेशन है ना, इसके जगह आप चाहो तो डिसोसिएशन भी लिख सकते हो, क्योंकि डिसोसिएशन का मतलब है, होता है कि ऑलरेडी आयोन्स है, बस उसको सेपरेट करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? लेकिन आप देखो, हम लोग जिस आयोनिक कंपाउंड का, हम लोग जिस आयोनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, हम लोग जिस आयोनिक कंपाउंड का आयोन्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको हम लोग को दो फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में लेना है? दो फॉर्म। आइदर हम लोग को लेना है मोल्टेन फॉर्म में, मोल्टेन स्टेट में, और एक्वस, या हम लोग ले सकते हैं उसका एक्वस स्टेट। समझ में आया? या तो आयोनिक कंपाउंड का हम लोग मोल्टेन स्टेट लेंगे या हम लोग लेंगे एक्वस स्टेट। अब क्वेश्चन एलेज होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो है ना वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उससे करंट फ्लो नहीं कर सकता। अगर करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो आयोन सेपरेट कैसे होगा? तो उसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए या तो पिघला दिया जाता है या उसका सॉल्यूशन बना दिया जाता है। तो एक्वस स्टेट में क्या होता है, एक्वस स्टेट में आयोनिक कंपाउंड को मिक्स कर दिया जाता है किसके साथ? वाटर के साथ। अब आपको ऑलरेडी पता है कि वाटर में पहले से क्या क्या आयोन्स हैं, H प्लस और OH माइनस। ये H प्लस और OH माइनस क्या करता है, इस आयोनिक कंपाउंड का जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स है उनको खींचता है। जैसे इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव खींचता होगा और नेगेटिव को कौन खींचता है? पॉजिटिव। तो उससे क्या करता है, उस बॉन्ड को वीक कर देता है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ये क्या करता है, वीक कर देता है। अब मोल्टन स्टेट में क्या होता है, आपको पता है मोल्टन स्टेट मतलब हो गया टेम्परेचर बढ़ाना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, आयोन्स के बीच में क्या बढ़ जाएगा, आयोन्स स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बिटवीन आयोन्स, स्पेस बिटवीन आयोन्स इंक्रीज हो जाएगा।
तो अगर आयन्स के बीच में स्पेस बढ़ गया तो आयन्स को सेपरेट करना आसान हो जाएगा। दूसरा चीज है, अगर आयन्स अलग अलग पोलारिटी वाला, आयन्स को अगर अलग अलग पोलारिटी वाला एच प्लस और ओ एच खींचेगा तो ये आयन्स भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आया? अब प्लस अगर आयन्स सेपरेट हो जाएगा तो पॉजिटिव आयन किसके तरफ जाएगा, नेगेटिव सप्लाई की तरफ जाएगा, और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव सप्लाई की तरफ जाएगा। तो इस तरह से अगर आयन्स का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है, जब चार्ज मूव करते हैं। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव सप्लाई की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव सप्लाई की तरफ मूव करेगा तो एक तरह से क्या हो रहा है, आयन का मूवमेंट हो रहा है। और आयन का मूवमेंट मतलब चार्ज का मूवमेंट, और चार्ज का मूवमेंट को ही बोलते हैं करंट। तो दैट मींस जब हम लोग मोल्टन स्टेट में लाते हैं या एक्वस स्टेट में, तो उस केस में आयोनिक कंपाउंड क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर। मतलब यहाँ पे भी वो क्या बन चुका है, गुड कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बन चुका है, वो गुड कंडक्टर। और गुड कंडक्टर बनने से ही हम लोग उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि गुड कंडक्टर क्यों बन जाता है, बिकॉज क्योंकि जब हम लोग इसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं या एक्वस स्टेट में, तो क्या प्रोड्यूस होता है, फ्री आयोन्स प्रोड्यूस होता है। आयोन्स क्या हो जाते हैं मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में, क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मतलब वो इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इस केस में वो बैड कंडक्टर क्यों है, बिकॉज हियर दे डोंट हैव फ्री आयोन्स। आयोन्स जो है वो फ्री नहीं रहते हैं, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहला चीज तो है कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करना जरूरी है। वीक करने का दो ही तरीका है, या तो उसको पिघलाओ या उसको पानी में मिलाओ। समझ में आया? तो हम लोग ये सब चीज क्यों करते, ताकि वो सब फ्री आयन में कन्वर्ट हो जाए। और जब फ्री आयन बन जाएगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन हो जाएगा वो नेगेटिव सप्लाई की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा ठीक है, थोड़ा इसको लिखिए। अभी हम लोग इसको थोड़ा डायग्राम से समझेंगे, ये तो हम ऐसे मुंह में बोल दिए, लेकिन डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, ये इसमें हम लोग क्या यूज किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें हम लोग दो मेटल को डालेंगे, ठीक है, और ये दोनों मेटल को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी का पॉजिटिव जिस मेटल में लगेगा उसको बोला जाएगा एनोड, और बैटरी का नेगेटिव जिस मेटल में लगेगा उसका नाम हो जाएगा कैथोड। तो एनोड क्या होता है, एनोड होता है इलेक्ट्रोड विथ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड विथ पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड होता है इलेक्ट्रोड विथ नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड विथ पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया इलेक्ट्रोड विथ नेगेटिव चार्ज। इसको समझना बहुत आसान है, सिंपल कैसे समझना है, जिसमें पॉजिटिव सप्लाई लगा है बैटरी का, बैटरी में हमेशा याद रखना ये जो लंबा लाइन रहता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और छोटा लाइन जो रहता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। ओके, अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो हम लोग मोल्टन स्टेट में लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नाम ले लेते हैं लेट इट बी ए प्लस एंड बी माइनस, मतलब ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड में पहले से ही आयोन रहता है। अब जैसे ही हम लोग इसका मोल्टन स्टेट लेंगे तो आयन्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ए प्लस वाला जो आयन है वो किसके तरफ जाएगा, कैथोड के तरफ जाएगा, और बी माइनस वाला जो आयन है वो किसके तरफ जाएगा, एनोड के तरफ जाएगा, क्योंकि अब वो आयन सब फ्री है तो वो लोग माइग्रेट कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली आयोनिक कंपाउंड में सप्लाई देते हैं ना, तो आयन्स मूव नहीं करते, क्योंकि आयन्स ऑलरेडी एक दूसरे से बॉन्डेड थे, बाउंडेड थे, चिपके हुए थे। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये लोग मोल्टन स्टेट में मूव कर सकते हैं। तो जो आपका नेगेटिव आयन होगा वो पहुंच जाएगा एनोड के पास, और जो आपका पॉजिटिव आयन है वो पहुंच जाएगा कैथोड के पास। ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, वहां पे ये नेगेटिव आयन एनोड के पास जाके क्या करता है,
अपना इलेक्ट्रॉन को खो देता है और बन जाता है न्यूट्रल एटम, ठीक है। उसी तरह से जो पॉजिटिव आयन है वो भी कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है न्यूट्रल एटम। और जैसी न्यूट्रल एटम बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये कैथोड के पास हो रहा है, ठीक है। तो जैसी न्यूट्रल एटम बन जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। मतलब वो जो आयन्स हैं वो अपना चार्ज खो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज समझ में आया, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा ये जानेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो एक से ज्यादा हो, या नेगेटिव आयन जो है वो एक से ज्यादा हो। जब एक से ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होगा तो कौन सा आयन बाहर डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड करता है क्या क्या फैक्टर पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कितना तो पॉजिटिव आयन है, एक ही है, और यहाँ पे नेगेटिव आयन भी कितना है, एक ही है। तो यहाँ मुझे पता है कि ये दोनों डिस्चार्ज होगा ही, लेकिन अगर सोच लो दो ठो पॉजिटिव आयन हुआ या दो ठो नेगेटिव आयन हुआ तो उन दोनों में से कोई एक डिस्चार्ज होगा। वो डिस्चार्ज जो होगा, डिस्चार्ज होगा मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा ये, और ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो डिस्चार्ज होने का प्रोसेस है उसमें कोई एक ही डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब तो कौन डिस्चार्ज होगा वो कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो कंडीशन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सर? अरे यहाँ पे देखो, बोले हैं डिस्चार्ज ऑफ आयन्स डिपेंड ऑन, मतलब जो आयन्स कहाँ पे जाके डिस्चार्ज होता है, एनोड और कैथोड के पास। कैसे डिस्चार्ज होता है बता दिए, कैटायन इलेक्ट्रॉन लेके डिस्चार्ज हो जाता है और एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें से हम अभी कौन सा फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, पहला फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्लियर कट लिख दिया, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर ज्यादा होगा और जो आयोनिक कंपाउंड है वो कम होगा। तो अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हो जिसमें पानी का क्वांटिटी ज्यादा है और उस आयोनिक कंपाउंड का क्वांटिटी कम है, तब कौन डिस्चार्ज होगा, द आयन विच इज लोएस्ट इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होगा वही सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, किसका किसका, कैटायन का भी और एनायन का भी। और उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो सोचो पहले मैं कैटायन का लिस्ट लिख देता हूँ। तो कैटायन में आप लोग को पोएम से मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि कृष्णा, तार, मांगे, अल्टो, जेन, फरारी, फिर पब्लिक, और फिर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लिखना है और पब्लिक के बाद चालू करना कुश्ती होगा आज पटना ऑडिटोरियम में। ये कैटायन का लिस्ट है। तो कृष्णा, कार, मांगे, अल्टो, जेन, फरारी, पब्लिक, कुश्ती होगा आज पटना ऑडिटोरियम में। ये कैटायन का लिस्ट हो गया। अब मुझे जो, अब मेरा बात सुनो, अगर कैथोड के पास, अगर कैथोड के पास हाइड्रोजन भी पहुंचता है और कॉपर भी पहुंचता है, अगर कैथोड के पास कौन पहुंचता है, हाइड्रोजन और कॉपर। जैसे एग्जांपल अगर सुनो, कैथोड है तो कैथोड के पास सपोज कौन कौन पहुंच रहा है, हाइड्रोजन और कॉपर, ठीक है। कौन कौन पहुंचा, हाइड्रोजन और कॉपर, फॉर व्हाट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सुन लो हाइड्रोजन और कॉपर पहुंचा तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कौन आता है, कॉपर आता है, तो कॉपर डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा, तो ये डिस्चार्ज होगा क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। अगर लेकिन ये सिचुएशन कब अराइज होगा, जब देयर विल बी कंपटीशन, मतलब वहां पे एक से ज्यादा पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन होंगे। उसी तरह से मैं एनायंस का भी लिस्ट लिख दे रहा हूं, ओके। एनायंस में आपको इसको याद रखना है, सबसे ऊपर होता है SO42-, फिर NO3-, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, Cl-, Br-, I-, और सबसे नीचे है OH-। तो देखो इसका तो पोएम फॉर्म याद रखे हो, इसको याद रखना आसान है, अगर इसको आप एक दो बार लुक ओवर कर लोगे तो याद हो जाएगा। जैसे देखो सबसे ऊपर सल्फेट, फिर नाइट्रेट, फिर ये पूरा हेलोजन का एक ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड,
और सबसे नीचे कौन है, हाइड्रोक्साइड। तो अगर सोच लो एनोड के पास, मान लो इसमें से जैसे समझने के लिए, मान लो एनोड के पास कौन कौन पहुंचा, एनोड के पास पहुंचा SO4 2- और OH- तो कौन डिस्चार्ज होगा, OH- डिस्चार्ज होगा। लेकिन ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, कंसेंट्रेटेड के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन हम लोग को जो दिया है वो डाइल्यूट के लिए दिया है या कंसेंट्रेटेड के लिए। देखो जब भी डाइल्यूट, जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कंसेंट्रेटेड, तो उस टाइम क्या आपको मान लेना है कि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। अगर नहीं मेंशन है तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना है कि द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा वही डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन में क्लियर कट लिख दिया है कि वो कंसेंट्रेटेड है, तो फिर हम लोग को कंसेंट्रेटेड नियम के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो कंसेंट्रेटेड नियम के बारे में मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया, अभी इसको मिटा के करेंगे। सेकेंड सिचुएशन क्या है, फॉर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो फॉर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, तो मान लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया है CONC। तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर जो है वो लेस है और जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो ज्यादा है, समझ में आया, ये मोर है। ये क्या, ये किस फॉर्म में टूटेगा, ये टूटेगा कॉपर 2+ और SO4 2-, और ये टूटेगा H+ और OH-, समझ में आया। तो यहाँ पे ये कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो कंसेंट्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसका क्वांटिटी ज्यादा है, H+ का या कॉपर 2+ का, कॉपर 2+ का, और कंसेंट्रेशन के हिसाब से किसका ज्यादा है नेगेटिव में, OH- या SO4 2-, SO4 2-। तो अगर अभी इस केस में अगर एनोड के पास, इस केस में अगर एनोड के पास कौन कौन जाएगा, कॉपर 2+ और सॉरी एनोड के पास नहीं जाएगा, ये लोग जाएगा कैथोड के पास, कैथोड मतलब नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसके पास जब जाएगा कॉपर 2+ और H+, तो एक्चुअली रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से किसको डिस्चार्ज होना चाहिए, कॉपर को डिस्चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे आते हैं। इस रूल के हिसाब से कॉपर को डिस्चार्ज होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हुआ, इस सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि कंसेंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी कौन जाता है, CO2+। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉपर नहीं लेके कुछ और ले लेते ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो, तो हम लोग इसको जिंक सल्फेट ले लेते हैं ताकि इट विल बी इजी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जिंक क्या बन जाएगा, Zn2+। अब डाउट नहीं होगा आप लोग, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो नियम के हिसाब से देखा जाए, पहला नियम के हिसाब से तो जिंक और हाइड्रोजन में किसको डिस्चार्ज होना चाहिए, हाइड्रोजन को होना चाहिए, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया, दिस इज ए व्हाट, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जिंक का जो क्वांटिटी है वो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इस केस में कौन डिस्चार्ज होगा, जिंक डिस्चार्ज होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मेंशन कर देगा तो आपको उसको डिस्चार्ज करना है जो कि ज्यादा क्वांटिटी में, समझ में आया। उसी तरह से अगर सोच लो एनोड के पास, एनोड के पास कौन कौन जाता जाएगा, OH- और SO4 2-। तो अगर मैं पहला नियम के हिसाब से जाऊं जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला नियम था, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के हिसाब से OH को डिस्चार्ज होना था क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे है, लेकिन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया मतलब SO4 का जो 2- का जो क्वांटिटी है वो OH- से काफी ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा पूरा। मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन नीचे है कौन ऊपर है, कंसेंट्रेटेड बोल दिया मतलब जो ज्यादा है उसी को डिस्चार्ज करना है, जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो डिस्चार्ज होगा, डाइल्यूट में जैसे नीचे हो, हाँ डाइल्यूट वाला में। अब देखो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि डाइल्यूट है कि कंसेंट्रेटेड है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना है, डाइल्यूट, कंसेंट्रेटेड मत मान ले, और कंसेंट्रेटेड वर्ड यूज कर दिया था अलग बात, इसको लिखिए। तीसरा कंडीशन है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड,
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब देखो इलेक्ट्रोड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का लिस्ट हो गया आयरन, ग्रेफाइट और प्लैटिनियम, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसका एग्जांपल हो गया कॉपर, निकेल और सिल्वर। तो ये वो है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस में खुद पार्टिसिपेट करता है, नहीं करता है। डू नॉट टेक पार्ट। और ये है, इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड्स विच टेक्स पार्ट इन केमिकल और सॉरी इन इलेक्ट्रोलाइसिस, जो खुद भी इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड कब यूज होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को क्या करना होता है, जब हम लोग को डिस्चार्ज करना होता है। किसको डिस्चार्ज करना होता है, इट इज यूज टू व्हाट, टू डिस्चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स एट कैथोड एंड एनोड। जब हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को क्या करना रहता है, डिस्चार्ज, तब कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड कब यूज होता है, ये दो चीज में यूज होता है। एक चीज का नाम है इलेक्ट्रो प्लेटिंग और एक चीज का नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इसका एक एक एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है और इनर्ट वाला केस क्या होता है। ये तीनों का हम एक एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनर्ट कहाँ यूज होता है और एक्टिव कहाँ यूज होता है। ऐसे तो मैं बता दिया कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अभी मैं आपको क्या करूंगा, एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे यूज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, यूज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट का क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग एनोड क्या लेने वाले हैं, एनोड हम लोग ले रहे हैं यहां पे एनोड हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो हम लोग एनोड यहाँ पे क्या लेंगे, या तो प्लैटिनियम लेंगे या ग्रेफाइट लेंगे। तो मान लो हम प्लैटिनियम ले रहे हैं क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है। कैथोड में भी क्या लेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तो या तो प्लैटिनियम लेंगे या ग्रेफाइट लेंगे, तो प्लैटिनियम ले रहे हैं। सर ऐसे ले सकते हैं ना कि एक प्लैटिनियम एक ग्रेफाइट, बेटर है कि दोनों सेम ही ले सकते हो लेने के लिए, क्योंकि ये लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत सी ये यहाँ तक आपको समझ में आया, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाले हैं डिसोस इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट का। इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा कॉपर सल्फेट एक्वस। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या लिखेंगे हम लोग, डिसोसिएशन रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि जब ये कॉपर सल्फेट को हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट टूटेगा ना, तो डिसोसिएशन रिएक्शन भी होगा। तो डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग,
कॉपर सल्फेट जो है वो टूट के क्या बनेगा, कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस। क्लियर कर देख लो, हेडिंग क्या है, यूज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड तीन तो बताए थे, प्लेटिनियम, ग्रेफाइट और एक क्या बताए थे, आयरन। क्योंकि ये एक्वस है तो यहाँ पे वाटर भी है ना, तो वाटर भी टूटेगा, वाटर टूट के क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस। समझ में आया? उसके बाद हम लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड के पास कौन कौन पहुंचेगा मुझे बताओ, एनोड के पास पहुंचेगा SO4 2 माइनस और OH माइनस, ये दोनों पहुंचेगा। और यहाँ पे हम इधर लिख दे रहे हैं रिएक्शन एट एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो यहाँ पे कौन कौन पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा CU2 प्लस और H प्लस पहुंचेगा। ये समझ में आया? रिएक्शन एट कैथोड में क्या होगा, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस पहुंचेगा और H प्लस पहुंचेगा। अब एनोड के पास क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको डाइल्यूट मानेंगे। और डाइल्यूट में रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो OH माइनस नीचे है। तो देखो जब भी आप OH माइनस को डिस्चार्ज करोगे ना, उसका मैं एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका को आप लोग याद रखना। चार टू OH माइनस, एक OH माइनस कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक, क्योंकि वो एक OH माइनस एक नेगेटिव है। चार OH माइनस कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चार। और ये लूज करके क्या बनेगा, दो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। ये फॉर्मेट याद रखना, जब भी OH माइनस डिस्चार्ज होगा इसी फॉर्मेट में डिस्चार्ज होगा। चार OH माइनस, चार इलेक्ट्रॉन छोड़ के दो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और एक ऑक्सीजन। रिएक्शन एट एनोड, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे है ना, ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने का फॉर्मेट याद रखना, OH माइनस हमेशा ऐसे ही डिस्चार्ज होगा। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में कौन नीचे आ रहा है, कॉपर या हाइड्रोजन? कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो कॉपर क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जब यूज किए तो मुझे कुछ ही बताओ, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए तो क्या हुआ, ये हमारा प्लैटिनियम है और ये इलेक्ट्रोड जो है ये भी हमारा प्लैटिनियम है। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सप्लाई, सॉरी पॉजिटिव सप्लाई दिए और यहाँ पे हम लोग दिए नेगेटिव सप्लाई। और ये हमारा सॉल्यूशन है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें हमारा क्या क्या है, ये हमारा प्लस है और ये है माइनस। माइनस में, माइनस के पास कौन कौन जाएगा बताओ, माइनस के पास ये कैथोड है ना, तो कैथोड के पास कौन कौन जाएगा, और ये एनोड है, कैथोड के पास कौन कौन जाएगा, कैथोड के पास जाएगा CU टू प्लस और H प्लस। ये क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और खुद कॉपर बन के मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और डिस्चार्ज होके क्या होगा, प्लेटिनियम के ऊपर चिपक जाएगा, प्लेटिनियम के ऊपर चिपका है, प्लेटिनियम से रिएक्शन नहीं किया, प्लेटिनियम के ऊपर बस चिपका है, मतलब हम लोग उसको प्लेटिनियम से फिर सेपरेट कर सकते हैं। और एनोड के पास कौन कौन जा रहा है, OH माइनस और SO4 2 माइनस, ये दोनों जा रहा है किसके पास, एनोड के पास। इसमें जो OH माइनस क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन खो के क्या बन जाएगा, दो H2O मॉलिक्यूल तो पानी में ही रह जाएगा और जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। समझ में आया ना? तो मुझे एक चीज बताओ, इस होल प्रोसेस में प्लैटिनियम क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? नहीं, नहीं। कहीं भी हम लोग को एज ए प्रोडक्ट प्लैटिनियम दिख रहा है? नहीं, नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग जब भी यूज करेंगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उनका काम सिर्फ एक ही रहेगा कि वो एनोड के पास एनायन को डिस्चार्ज कर सके और कैथोड के पास कैटायन को डिस्चार्ज कर सके। उनका पर्पस बस इतना ही है, टू डिस्चार्ज आयोन्स एट एनोड एंड कैथोड। ये समझ में आया? लेकिन जब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड दो पर्पस के लिए यूज होता है, एक होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और एक होता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम बताएंगे तो बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा।
पीनट इलेक्ट्रोड को कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, देख लो कहीं भी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस ये चीज जाके उसके ऊपर चिपकेगा, उसको हम लोग बस सेपरेट कर सकते हैं, वहां पे कुछ बॉन्डिंग नहीं हुआ है।